गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मेरे ऊटी से निकलने का दिन है। थोड़ा सा सैड हूँ क्योंकि मज़ा आ रहा था घूमने, बट जाना पड़ेगा, डेली लाइफ है तो वो तो शुरू करना पड़ेगा। बट यस, आज मेरी 2 बजे की ट्रेन है, यहाँ से टॉय ट्रेन है, और इस बार मेरी टिकट कंफर्म है। तो मैं आप लोगों को वो सारा व्यू दिखाऊंगी टॉय ट्रेन से जाते हुए जो दिखते हैं, एंड मैं भी फर्स्ट टाइम टॉय ट्रेन में बैठूंगी तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, धूप है बट बहुत ठंड है। अभी बज रहे हैं 9:30 मॉर्निंग, तो 11 बजे यहाँ चेकआउट है। तो चेकआउट करने के बाद हम स्टेशन तक में भी चल के जाएंगे, क्योंकि 2 किलोमीटर ही है और यहाँ ऑटो वाला बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो लेट्स सी, मे भी चल के ही जाएंगे। ज़्यादातर जगह हम चल के ही गए थे, बट वो परसों जो हम 3-4 जगह विजिट किए थे उसमें हमने एक ऑटो बुक कर लिया था। तो देखते हैं, आप लोग दिखाता हूँ, बाहर कुछ दिखेगा है नहीं खिड़की से, क्योंकि पूरे खिड़की कांच में पूरा वो पानी लगी हुई है। ये देखिए कांच में पूरा, बाहर अच्छे से दिख नहीं रहे हैं। तो मैं निकल रही हूँ, बाय 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 रूम, आई रियली मिस यू, बाय बाय बेड, गद्दा बहुत सॉफ्ट था, आई रियली मिस यू, बाय बाय टीवी जो नहीं चलता है, ख़राब है, बाय बाय लाइट जो ठीक ठाक है, बाय बाय मिरर जिसमें मैंने फ़ोटोशूट किया है, आप लोगों को देखना तो इंस्टा में जाके फॉलो कर लो, बाय बाय सोफ़ा, बाय बाय सिंक, बाय बाय बाथरूम, सबको बाय बाय। गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं निकल रही हूँ, 11 बज चुके हैं, चेकआउट का टाइम है और अभी मैं निकल रही हूँ, फिर रिसेप्शन में जाती हूँ और इनको कीज वगैरह दूंगी, एंड देन मैं भी चल के ही जाऊंगी आज भी स्टेशन तक, 2 किलोमीटर ही है। चलो आप लोग भी चलो मेरे साथ। गाइस मैं ये जो नज़ारे हैं ना, मैं इसको बहुत मिस करने वाली हूँ ऊटी का। ये सुबह सुबह उठ के ये जो नेचर, वाओ ऑसम, आई रियली मिस। वो देखो पहाड़, उधर से हमको चल के जाना है, इधर से, सो ब्यूटीफुल। तो हमने रिसेप्शन में सब कुछ फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लिया चेकआउट का, जबकि हमारे ट्रेन का अभी बहुत टाइम है, 2 बजे की ट्रेन है और अभी सिर्फ हो रहा है 11। तो हम अभी होटल के ही अंदर कैंपस में हैं, यहाँ जो बच्चों का वो प्ले एरिया है वहाँ पे झूले झूल रहे हैं। थोड़ी लेट निकलेंगे होटल से, सिर्फ 2 किलोमीटर ही है स्टेशन, में भी ऑटो से जाएँ, में भी चल के जाएँ, फिर भी 12:30 बजे निकलेंगे तो पहुँच जाएंगे। तो अभी बहुत टाइम है, आराम से निकलेंगे, बैग वगैरह हमने वहाँ रख दिया और फिर झूला झूल रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। यो पर पता नहीं क्यों दुख भी हो रहा है कि मैं ऊटी छोड़ के जा रही हूँ, सच बता रही हूँ, अच्छा खासा यार काम काज करना नहीं पड़ रहा था, वहाँ जाके वही काम करना पड़ेगा, वही शूट, सो बोरिंग। वाइज अभी मैंने बहुत सारा शूट किया है ऊटी में, तो आप लोगों को अगर देखना हो बहुत सारा वीडियो फोटोज़ तो मेरी इंस्टाग्राम को फॉलो करो, एंड साथ साथ मेरी मौज को भी फॉलो करो और वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। हाँ मैं आप लोगों को मेरी ऊटी ट्रिप के बारे में कुछ शेयर करना चाहूँगी। ऊटी ट्रिप का एक्चुअली मेरा कोई प्लान नहीं था, ये क्या हुआ था, आई एम थिंक दिसंबर, या दिसंबर में मैं थोड़ा ज़्यादा बीमार थी तो, और काम का लोड भी बहुत ज़्यादा था तो मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रही थी। तो ऐसे फिर घर वाले का कॉल आया था, वो होता है ना कभी कभी आपका
मूड ख़राब होता है तो मम्मी पापा से बात करते करते रोना आ जाता है। मेरा भी सेम हुआ था। फिर पापा ने बोला जाओ तुम घूम के आओ, मूड फ्रेश करके आओ, ऐसे काम काज कैसे होएगा। तो पापा ने सारा ऊटी ट्रिप का पैसा पापा ने दिया है, इसलिए थैंक यू पापा कि आप लोग मेरे मेंटल हेल्थ के लिए इतना सोचते हो। आई डोंट थिंक कि किसी के माँ बाप इतना समझ सकते हैं बच्चों के मेंटल कंडीशंस के बारे में या जो भी है। तो इसलिए थैंक यू सो मच एंड आई एम सो लकी टू हैव यू पापा मम्मी भाई जो भी है। तो मैंने बहुत इन्जॉय किया ऊटी एंड हाँ मूड थोड़ा बहुत तो फ्रेश हुआ ही है और थोड़ा सा डिप्रेशन भी कम है। अब घर जाके फिर से वर्क लोड है, बट हाँ मैं फ्रेश हो गई हूँ तो अच्छे से काम कर पाऊँगी। और मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं, पता नहीं क्यों भौंक रहे हैं। हाँ आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे जो डॉग और कैट्स हैं ना, ऐसे ही पालतू नहीं रोड वाले, इतने हेल्दी है ना, मन करेगा उन्हीं को उठा कर ले जाए, उन्हीं को पाल ले। ऐसे पूरा मैंने देसी ब्रीड लगता ही नहीं, ऐसा लगता है कि विदेशी ब्रीड ही है। इतना घोलू मोलू सा, इतना हेल्दी है। मे बी पहाड़ी इलाका है इसलिए ऐसा है, अलग टाइप का है डॉगी मे बी। या और बिल्ली भी बहुत क्यूट है, बट आई डोंट लाइक बिल्ली। चलो मैं थोड़ा झूला झूल लूँ फिर आप लोग। गाइस मैं चार्ज में आया हूँ जो मेरे होटल के बिल्कुल पास था। मेरा बड़ा मन था आने का तो आज ओपन है तो मैं आ गया हूँ। ये है चार्ज। गाइज मुझे इंग्लिश मूवी वाली वाइब आ रही है। हिंदी इंग्लिश मूवी में जैसे चार्ज दिखाते हैं, पता नहीं मुझे थोड़ा अजीब सा डर सा लगता है चार्ज में। तो मैं सेकेंड टाइम चार्ज आई हूँ, मैंने पहले मैं गई थी गोवा में जब थी और अभी ये मेरा सेकेंड टाइम है ऊटी में। मैं ऊटी स्टेशन पहुँच चुकी हूँ, यहीं से मेरे को टॉय ट्रेन मिलेगा जो कि 2 बजे है। तो अभी हो रहा है 1 भी नहीं बजे, अभी तो 12:40 हो रहे हैं। अभी यहाँ लंच वंच भी करूँगी और उसके बाद ही ट्रेन में बैठूँगी। तो मैं स्टेशन से अंदर जा रही हूँ, या स्टेशन के अंदर ना बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत ऐसे, ये देखिए टॉय ट्रेन शोकेस के लिए रख रखे हैं। यहाँ आई लव ऊटी लिखा हुआ है यहाँ पे, कितना मस्त लग रहा है। यहाँ पे मैंने बहुत सारी फ़ोटो वोटो खींची है, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। और स्टेशन में एक म्यूज़ियम था टॉय ट्रेन के बारे में, तो कैसे क्या हुआ नहीं हुआ तो उधर हम थोड़े घूम रहे थे कि क्या है म्यूज़ियम में देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ खास था नहीं बट ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो पुराने ज़माने की है, मैंने टॉय ट्रेन की है, ये सारी चीज़ें यूज़ होता था, टॉय ट्रेन की हिस्ट्री है एक्चुअली। तो यहाँ पे और भी लोग जो स्टेशन में आए थे वो सब भी है, तो सभी लोग देख रहे हैं। फिर मैं स्टेशन से बाहर गई, मुझे स्टेशन बड़ा पसंद आ रहा था, बहुत ही सुंदर था, सच में बहुत ब्यूटीफुल। गाइस मैं फाइनली टॉय ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, तो 2 बजे ये छूटने वाली है और खिड़की के सामने भी है मेरी सीट। और मैं आप लोगों को पूरी रास्ता दिखाते हुए जाऊँगी क्या क्या रास्ते में आते हैं। और यहाँ हमने बहुत सारा फ़ोटोशूट और बूमरंग वगैरह बनाए, जाके जल्दी से इंस्टाग्राम में फॉलो करो अगर देखना है तो। इन्हें टॉय ट्रेन टनल के अंदर से जा रहे थे और सारे पैसेंजर्स इधर चिल्ला रहे थे मस्ती में, बहुत मज़ा आ रहा था। और ये देखिए टॉय ट्रेन के अंदर से बाहर का व्यू कितना मस्त लग रहा है ना, ऐसे सिनेमैटिक व्यू पूरा, वाओ। ये टी गार्डन है पूरा ही,
कितना सुंदर है यार ऊटी, मेरी बस चले तो मैं यहीं रह जाऊं। वाओ बहुत ही सुंदर है यार देखिए। वैसे हमारे होटल वालों के लिए जॉब ऑप्शन भी है क्योंकि यहाँ पे होटल्स ही होटल्स हैं, बट ये है कि यहाँ पे घूमने के लिए ठीक है, रहने के लिए उतना ठीक नहीं है बिकॉज़ यहाँ पे थोड़ा आने जाने का दिक्कत एंड पहाड़ी पहाड़ है, ऊपर नीचे थोड़ा कॉस्टली भी ज़्यादा है, तो फिर रहने के लिए नहीं है उतना। बट बहुत ही खूबसूरत है। और ये ट्रेन ऐसे जा रहे थे, मैं बाहर देख रही थी, मुझे इतना डर लग रहा था कि नीचे पूरा खाई है, इतनी सी गैप में जा रहा था, मैं बहुत फट रही थी। और ये बाहर का है, जब थोड़ी देर ट्रेन रुका था और फिर चलने लगा तो इतना सुंदर लग रहा है ना। और ये हम कन्नूर पहुंच गए हैं और कन्नूर भी ऊटी से बहुत पास है, तो लोग यहाँ घूमने आते हैं टॉय ट्रेन से जो भी ऊटी आते हैं। हम नहीं आए क्योंकि मैंने सुना था इतना कुछ है नहीं, सेम ही है, तो हम नहीं आए। ये रास्ते में ही पड़ा था तो यहीं उतर के हमने देख लिया और फिर से हमारी ट्रेन चल पड़ी। ये फिर से टनल के अंदर घुस रहे हैं, टनल ही टनल था, छोटे छोटे टनल था, बट मज़ा आ रहा था। पर मुझे पता नहीं क्यों टनल के अंदर थोड़ा डर लगता है, ऐसे ही कुछ फोबिया है। तो ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल है ऊटी गाइस, जाओ घूम के आओ। और पहले तो मेरी इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो क्योंकि इंस्टाग्राम में मैंने बहुत सारी पोस्ट डालनी है, ऑलरेडी कुछ डाल भी चुकी हूँ तो ऊटी के शूट के। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ऑसम। यहाँ पे झरने भी थे, ये पानी गिर रहा है झरने का, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, शूट के लिए एकदम परफेक्ट है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और ये पहाड़ ऐसा लग रहा था बादल को छू रहे हैं पहाड़। ये देखिए इतनी ऊपर से जा रहे थे हम, तो डर तो लग रहा था। ये फिर से एक टनल है और ये मैं थोड़ी मस्ती कर रहा हूँ, आप लोग ट्राई मत करना, ये थोड़ा खतरनाक है, तो कोई भी प्लीज़ ट्राई मत करना क्योंकि बहुत ही क्लोज हैं, दीवार वीवार के पेड़ पौधे लग सकते हैं, तो इसीलिए मत करना ट्राई कभी भी। तो मज़ा बहुत आ रहा था सच में यार। फिर धीरे धीरे उतरने लगे, मैंने हम पहुंचने वाले मेट्रोपलयाम, तो ये उतर गए ऑलरेडी हम मेट्रोपलयाम में। उसके बाद हम कोयम्बटूर भी आ गए एंड मैंने डिनर किया। और आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर